हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया C12 फ़ोन है, नोकिया C12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन की हॉटस्पॉट QR कोड है, तो हॉटस्पॉट QR कोड को स्कैन करके नेटवर्क को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमें नोकिया फ़ोन में, और कैसे इसका आप यूज़ कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की सेटिंग पे आकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क वगैरह को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है, तो वाईफाई नेटवर्क को QR कोड स्कैन करके कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है, तो बिना पासवर्ड के वाईफाई नेटवर्क कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। सिंपली जाना होगा हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग पे, तो हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। ओपन होती है आपके पास वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स सारे, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास ये हॉटस्पॉट ऑप्शन आ गया, तो हॉटस्पॉट को आपको ऑन करना होगा यहाँ से। जब आप हॉटस्पॉट को ऑन कर दोगे, तो हॉटस्पॉट को ऑन करके नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। सिंपली आपको यहाँ से QR कोड को ओपन करना है, तो QR कोड को ओपन करके आप हॉटस्पॉट नेटवर्क को बिना पासवर्ड के किसी भी दूसरे डिवाइसेस में आप कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, स्कैन करके आप कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो जैसे सिक्योरिटी को जब ऑफ कर दोगे, तो सिक्योरिटी ऑफ करके भी बिना पासवर्ड के आप वाईफाई नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, तो यहाँ से वाईफाई का ऑप्शन आता है, जहाँ से QR कोड स्कैनर हमारे फ़ोन में शो हो जाएगा। तो स्कैनर के जरिए आप स्कैन करके QR कोड को, इस QR कोड का नेटवर्क आप अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।